दोस्तों एक टाइम हुआ करता था जब 8GB की रैम फ्लैक्स लेवल के स्मार्टफोन में आती थी, लेकिन अब आपको 8GB की रैम मिड रेंज वाले स्मार्टफोन में देखने को मिल जाते हैं। इवन मैं ये कहूँगा जो फ्लैक्स लेवल के पहले के स्मार्टफोन आते थे उनसे ज़्यादा कई अच्छे अच्छे फीचर्स आपको मिड रेंज वाले स्मार्टफोन में देखने को मिल जाते हैं। मैं दोस्तों आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ ऐसे 5 स्मार्टफोन जो कि 20,000 रुपये के नीचे आते हों और ये 8GB रैम और कमाल के फीचर्स के साथ आते हैं। अगर आपका बजट है दोस्तों 20,000 रुपये का, ढूंढ रहे एक अच्छा सा स्मार्टफोन, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए होने वाले। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे वास्तविक टेक चैनल पे। तो फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हमने प्रत्येक कंपनी का एक एक फोन पिक किया है, तो आप किसी भी कंपनी के फैन हैं डेफिनेटली आपको एक स्मार्टफोन पसंद आने वाला है। तो दोस्तों जो मेरी लिस्ट में 5वें नंबर पे स्मार्टफोन आता है वो आता है सैमसंग लवर के लिए, जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी A50s। इस स्मार्टफोन में आपको 6.45 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। कैमरास की बात की जाए दोस्तों तो आपको बैक में 3 कैमरे देखने को मिलेंगे, 48 मेगापिक्सल का प्लस 8 मेगापिक्सल का प्लस 5 मेगापिक्सल का। फ्रंट में भी दोस्तों आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाएगी। बैटरी की बात करें तो यहां पे आपको 4000 एमएएच की बैटरी देखने को मिल जाएगी। फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा, यूएसबी टाइप सी पोर्ट के साथ आएगा। और दोस्तों इसकी प्राइस की बात करें तो इसका जो वेरिएंट है 4GB 128GB वाले की प्राइस है वो 17,999 रुपए है। तो दोस्तों 17,999 रुपए में, मतलब 18,000 रुपए में अगर आपको सैमसंग का फोन चाहिए तो डेफिनेटली आप सैमसंग के A50s को कंसीडर कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को प्रेस करो और हां ऑल पे क्लिक करना ताकि मेरी सब वीडियो की नोटिफिकेशन आपको 100% मिलती रहे जैसे वीडियो को अपलोड करते हैं। और दोस्तों जो मेरी लिस्ट में 4th नंबर पे स्मार्टफोन आता है वो आता है ओप्पो वालों के लिए। जी हां फ्रेंड्स, इसका नाम है ओप्पो F15। ये स्मार्टफोन हाल ही में लॉन्च किया गया है जिसमें आपको 6.4 इंच की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। बैक में आपको यहां पे 4 कैमरे देखने को मिलेंगे, 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल। फ्रंट कैमरे की बात करें दोस्तों यहां पे आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी भी देखने को मिल जाएगी। 4000 एमएएच की बैटरी के साथ आएगा, यूएसबी टाइप सी का पोर्ट दिया गया, फास्ट चार्जिंग के साथ आएगा। बात करें दोस्तों इसकी प्राइस की तो 8GB 128GB स्टोरेज का इसका प्राइस है वो 19,990 रुपए है। 19,000 रुपए में आप ओप्पो F15 को कंसीडर कर सकते हैं अगर आप ओप्पो के फैन हैं। और दोस्तों जो मेरी लिस्ट में 3rd नंबर पे स्मार्टफोन आता है वो आता है वीवो फैन के लिए, जिसका नाम है वीवो S1 प्रो। ये स्मार्टफोन दोस्तों डिजाइन वाइज काफी ज्यादा अच्छा लगता है। इसमें आपको 6.38 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। बैक में यहां पे आपको 4 कैमरे देखने को मिलेंगे और ये कैमरे कुछ अलग दिए गए, 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल। बात करें दोस्तों इसके फ्रंट कैमरे की तो यहां पे आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी भी देखने को मिल जाती है। बैटरी दोस्तों यहां पे 4500 एमएएच की बैटरी देखने को मिलती है, यूएसबी टाइप सी पोर्ट के साथ आएगा, फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। प्राइस की बात करें तो एसडीबी 128GB वाले की प्राइस है वो है दोस्तों 19,990 रुपए। लेकिन दोस्तों ये मैं गेमिंग लवर के लिए बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि इसमें आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों अगर आपको डिजाइन वाइज एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए तो डेफिनेटली आप वीवो के S1 प्रो को कंसीडर कर सकते हैं। ये स्मार्टफोन अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। वैसे दोस्तों हमने इस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाई, आई बटन पर उसका लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। अगर आप ज्यादा जानना चाहते हो तो उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों जो मेरी लिस्ट में 2nd नंबर पर स्मार्टफोन आता है वो डेफिनेटली आप लोगों को पसंद आएगा, इसका नाम है Xiaomi Redmi K20। ये स्मार्टफोन बाकी में अच्छा है। इसमें आपको 6.38 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। बैक में आपको यहाँ पे ट्रिपल कैमरे देखने को मिलेंगे, 48 मेगापिक्सल प्लस 13 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल। बात करें दोस्तों यहाँ पे इसके फ्रंट कैमरे की, यहाँ पे आपको 20 मेगापिक्सल की सेल्फी भी देखने को मिल जाती है। 4000 एमएएच की बैटरी के साथ आएगा, यूएसबी टाइप सी पोर्ट दिया गया, फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है दोस्तों। और दोस्तों इसमें आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 730 प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाता है। प्राइस दोस्तों यहाँ पे आपको 19,950 रुपए में आपको देखने को मिल जाएगा था। पहले दोस्तों इसकी प्राइस ज्यादा थी लेकिन अब घट करके 19,950 रुपए रह गई है। तो डेफिनेटली आप रेडमी के 20 को परचेज कर सकते हैं। अगर आपने पहले मूड बनाया था उस टाइम पर ये महंगा था, नहीं खरीद पाया था, तो आप इस टाइम पर इसको कंसिडर कर सकते हैं। इस टाइम पर भी दोस्तों ये अच्छा स्मार्टफोन है। और दोस्तों जो मेरी लिस्ट में पहले नंबर पर स्मार्टफोन आता है, पहले नंबर का स्मार्टफोन बताने से पहले दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है तो लाइक करो और शेयर कर दो। और दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं जो मेरी लिस्ट में पहले नंबर पे स्मार्टफोन आता है जो मेरा पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है और डेफिनेटली ये आपको भी पसंद आने वाला है, जिसका नाम है दोस्तों Realme X2। जी हां फ्रेंड्स, इसमें आपको 6.4 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। बैक में दोस्तों यहां पे आपको 4 कैमरे देखने को मिल जाएंगे, 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2
मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल। बात करें दोस्तों यहाँ पे इसके फ्रंट कैमरे की तो 32 मेगापिक्सल की यहाँ पे आपको सेल्फी भी देखने को मिल जाती है। 4000 mAh बैटरी के साथ आएगा दोस्तों और USB Type-C का पोर्ट दिया गया, फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे आपको क्वालकॉम का Snapdragon 730G प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाता है। प्राइस की बात करूं दोस्तों तो इसका जो बेस वेरियंट 4GB 64GB वाले की जो प्राइस है वो 17380 रुपए में आपको कुछ देखने को मिलता है। ओवरऑल दोस्तों ये मेरे लिस्ट में वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है। आई होप दोस्तों आपको पसंद आया होगा ये स्मार्टफोन, क्योंकि इसमें आपको बैक में 4 कैमरे, सुपर एमोलेड डिस्प्ले और प्रोसेसर भी आपको पता है कितना ज़्यादा अच्छा है। और क्या चाहिए आपको 17000 रुपए की प्राइस में। क्या दोस्तों आपको ये स्मार्टफोन पसंद आया है, कमेंट में हमें अपनी राय जरूर से बता के जाइए। और हाँ दोस्तों, जाते जाते मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जितने भी मैंने आपको स्मार्टफोन बताए हैं सभी के लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, अगर आपको कोई स्मार्टफोन पसंद आता है तो वहाँ से जा करके देख सकते हैं। चले दोस्तों आज की इस वीडियो को ले पसंद आए, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे अभी तक बने हुए यहाँ तक आ गए तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को हिट करें। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी कर दें, जिससे कि कुछ लोग हैं जो खरीदने वाले हैं स्मार्टफोन और कन्फ्यूजन में, तो उनका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। और वैसे दोस्तों आपको कौन सा स्मार्टफोन पसंद आया इन सब में से, कमेंट में आप अपनी राय जरूर से बता के जाना। मैं मिलूंगा आपको नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।